हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू अनदर व्लॉग। अगर आप अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आए हुए हैं घूमने और कैम्बल बे आइलैंड में आए हुए हैं घूमने और आप सोच रहे हैं कि ज़्यादा पैसा भी खर्चना हो और आपको जगह भी घूम ले, तो मैं आपको ऐसा 3 जगह लेके जाऊँगा, वहाँ आप घूम भी सकते हैं और आपका ज़्यादा पैसा भी खर्च नहीं होगा। तो हम आ चुके हैं हमारा पहला लोकेशन पर। ये जगह का नाम है ओल्ड फिशरमैन कॉलोनी। ये जगह शाम के लिए अच्छा है क्योंकि ये जगह शाम में एक बहुत ही खूबसूरत चिड़िया आपको देखने को मिलता है और वो चिड़िया का नाम है हवाबिल। अगर आपको वो चिड़िया देखना है तो आपको यहाँ पर शाम को 3 से 4 बजे के बीच पर यहाँ में आना पड़ेगा और ये टाइम में यहाँ में लो टाइड होता है और आप वही टाइम में यहाँ पर आकर हवाबिल को देख सकते हैं। आप मेरे सामने ये मंदिर देख सकते हैं, उसी के अंदर हवाबिल रहते हैं और यहाँ में बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि ये मंदिर के अंदर हवाबिल भी रहते हैं। तो मैं इसके अंदर चलता हूँ और दिखाता हूँ आपको कि कैसे रहते हैं हवाबिल और कितने ज़्यादा रहते हैं। आप मेरे आगे जो देख रहे हैं बीच, यहाँ में शाम को बहुत ही अच्छा सीन मिलता है देखने को और बहुत ही अच्छा क्लाउड में अच्छा अच्छा कलर आता है। आप यहाँ में कभी भी आ सकते हैं, मोस्टली हमें अच्छा अच्छा कलर आपको देखने को मिलता है। हम आज भी शाम को यहाँ वेट करते हैं और देखते हैं, अगर कुछ कलर बनता है तो मैं आपको दिखाऊँगा। तो ये बीच फिलहाल तक थोड़ा देखते हैं कैसा है। तो हमने यहाँ का वीडियो शूट कर लिया है, तो अब हम चलते हैं सेकंड लोकेशन पर। तो हम आ चुके हैं हमारा सेकंड लोकेशन पर। ये जगह का नाम है मगरनाला। आप मेरे पीछे देख सकते हैं वहाँ में फंक्शन हो रहा है, वहाँ में गाना बज रहा है, इसलिए हम थोड़ा दूर है और दूर इसलिए है क्योंकि नहीं तो मेरा चैनल में कॉपीराइट आ जाएगा। तो मैं चलता हूँ और दिखाता हूँ। Stay close.
आप यहाँ में शाम को 4 बजे से आ सकते हैं और ये प्रोग्राम 7 से 8 बजे तक चलता है। तो हमें तो यहाँ में आने में लेट हो गई और आज यहाँ बारिश आ रहा था तो उसकी वजह से लेट हो गया। और आप चाहते हैं कि मगरनाला का मैं वीडियो बनाऊँ तो मैं और एक ब्लॉग बनाऊँगा जिसमें कि मगरनाला का फुल वीडियो रहेगा। और ये जगह देखने में बहुत ही सुंदर है, आप यहाँ दिन में आइए तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा ये जगह। और सुबह के लिए बहुत ही अच्छा है और शाम के लिए बहुत अच्छा है, ये जगह दोनों टाइम के लिए अच्छा है। तो आप यहाँ में कभी भी आ सकते हैं। तो हमारा यहाँ में वीडियो कंप्लीट होता है तो हम मिलते हैं 3rd लोकेशन पर। तो हम आ चुके हैं हमारे 3rd लोकेशन पर, ये जगह का नाम है बीकोरी। अगर आप बीकोरी आना चाहते हैं और आप रह रहे गेस्ट हाउस में तो आपको यहाँ से रास्ता डिस्टेंस सिर्फ 5 मिनट का पड़ता है, जो आप पैदल भी चल के आ सकते हैं। और बीकोरी पहला बीच है, बहुत ही नज़दीक मिलेगा आपको और ये बहुत ही बेस्ट बीच है। तो हम चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं। हमारा वीडियो यहाँ में कंप्लीट होता है और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपको ये तीनों जगह में से कौन सा जगह अच्छा लगा कमेंट में बताएं। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।